सभी को नमस्कार। मैं अपनी 12वीं क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम लोग आज बात कर रहे हैं साधारण व्यास। ये हमारा साधारण व्यास का पार्ट 2 है। इससे पहले हम एक वीडियो और बना चुके हैं साधारण व्यास का, ये पार्ट 2। देखिए पिछली क्लास में हमने क्या किया था उसके बारे में हल्की सी बात करते हैं। मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि मूलधन क्या होता है, मिश्रधन क्या होता है, साधारण ब्याज दर और समय, इन सब चीजों के बारे में आप लोगों ने अच्छे से बात की थी। फिर मैंने आपको तरीका बताया था कि बेसिक क्या होता है और जो तरीका मैं यूज करता हूँ फ्रैक्शन वाला तरीका, उस तरीके के बारे में उन्होंने बात की थी। तो देखिए सिंपल सा प्रश्न पिछली बार बना लेता हूँ, उसके बाद हम आगे चलेंगे। जैसे मैंने आपको बताया पी हम डिनोट करते हैं मूलधन को, जैसे 1000 रुपए है और आर ले लिया मैंने दर, दर मान ली मैंने 10%। पी समय मान लिया मैंने 2 वर्ष। तो मैं पहले बेसिक से करता हूँ। बेसिक क्या है, देखिए बेसिक क्या होता है, SI का सूत्र मैंने आपको बताया PRP/100, यानी प्रिंसिपल गुणा रेट गुणा टाइम डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू SI, यानी सिंपल इंटरेस्ट। मूलधन हमारा 1000 रुपए है, दर 10% है, परसेंट का मतलब बटे में 100 आ जाएगा। टी हमारा 2 है, तो ये गया इससे, 10 को 2 से गुणा करो तो आएगा 20, 20 को 10 से गुणा करो तो आपका आंसर आ जाएगा 200 रुपए। ये तो था बेसिक वाला। फिर मैंने आपको फ्रैक्शन वाला क्या बताया था कि जो दर आपकी 10% है, ये तो है तरीका 1 और ये है मेथड 2, मेथड 1 एंड मेथड 2। तो 10% को हम बदल देते हैं फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में बदलने का तरीका मैंने आपको बताया था कि प्रतिशत हटा के बटे में 100 लगाइए, 1 0 से 1 0 गया। आप इसे इस तरीके से कर सकते हो, अदरवाइज क्या इसे ऐसे ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नीचे वाला मैंने आपको बताया था कि नीचे वाला क्या होता है, नीचे वाला होता है मूलधन, ऊपर वाला ब्याज। ब्याज भी कितने साल का, 1 साल का ब्याज। ऊपर वाला क्या होता है ब्याज, यानी कि अगर मेरा मूलधन 100 रुपए है तो मेरा 1 साल का ब्याज कितना होगा, 10 रुपए। क्या वास्तव में मेरा मूलधन 100 रुपए है, नहीं, मेरा मूलधन कितना है, 1000 रुपए। तो 100 को 1000 बनाने के लिए मैं 10 से गुणा करूंगा। जब नीचे वाले 10 से गुणा करूँ, ऊपर भी 10 से गुणा करूंगा, तो ये होगा मेरा 1000 रुपए पे 1 साल का ब्याज, 10 को 10 से गुणा करके कितना आ जाएगा, 100। तो मेरा 1 साल का ब्याज कितना है, 100। लेकिन वास्तव में मेरे साल कितने हैं, 2 साल है। फिर मैंने एक आपको खास बात जो साधारण ब्याज की बताई थी वो ये थी कि साधारण ब्याज हर साल का सेम रहता है, यानी अगर आपको पहले साल 100 रुपए मिले तो दूसरे साल भी 100 रुपए, तीसरे साल भी, चौथे साल भी, पांचवे साल भी, यानी जितने भी साल आएंगे उसमें साधारण ब्याज हमारा समान रहेगा। तो आपको 1 साल में 100 रुपए मिले, पहले साल 100 रुपए मिले, तो उसके अगले साल यानी कि दूसरे साल में कितने रुपए मिलेंगे, 100 रुपए मिलेंगे। 100 और 100 टोटल कितने रुपए हो गए, 200 रुपए। इस तरीके से कर लो, या फिर आप ये क्या कीजिए, 100 को 2 से गुणा करके 200 रुपए आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए अब कुछ और देखते हैं। देखिए अब तक मैं क्या कर रहा था, मूलधन ले रहा था वो मैं सिंपल 1000, 10000 से लेके चल रहा था, लेकिन इस बार क्या मैंने मूलधन दिया 5000 रुपए। देखिए सबसे पहले मेरा कंसेप्ट क्लियर है कि मैं बेसिक से करूंगा, उसके बाद जब आपका बेसिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा फिर मैं जो हमारा जो शॉर्ट मेथड है उस मेथड पे आएंगे। तो सबसे पहले देखो बेसिक, बेसिक मैंने आपको बताया SI क्या होता है, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का फॉर्मूला मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ कि मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ये इंग्लिश में लिख दिया और ये हिंदी में लिख दिया, तो इस फॉर्मूले में हम रखते हैं। तो मूलधन कितना है 5000, वैल्यू को जब मैंने रखा, दर कितना है 5%, प्रतिशत हटाऊंगा तो बटे 100। फिर टी वर्ष कितना है, वर्ष अब 5 वर्ष। अब मैंने क्या किया कि इस 2 जीरो से ये 2 जीरो गई, 5 को 5 से गुणा किया 25, 25 को फिर 5 से गुणा किया तो आ जाएगा 125, और ये जो 0 थी वो मैंने यहाँ पे पुट कर दी। यानी कि अगर मैं बोलूं कि 5000 रुपए का 5% की दर से 5 वर्ष का ब्याज दर कितना होगा, 1250 रुपए। ये था बेसिक। अब हम बात करते हैं जो मैं मेथड यूज करता हूँ उस मेथड के बारे में, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको सिंपल बताया, आपने कुछ नहीं करना, आप दर देखिए दर कितनी है 5%। अब इस 5% को आप फ्रैक्शन में चेंज कर लो तो ये आपका हो जाएगा 5%। क्योंकि सिंपल सा कंसेप्ट मैंने आपको बताया था परसेंट वाले वीडियो के अंदर कि कभी भी प्रतिशत लगाना है तो हम गुणा 100 करेंगे, प्रतिशत हटाना है तो भाग 100 करेंगे। तो यहाँ पे मैंने प्रतिशत हटाया तो भाग 100 आ गया। अब क्या देखिए नीचे वाला क्या होता है, मूलधन,
ऊपर वाला एक साल का ब्याज, ऊपर वाला एक साल का ब्याज, यानी कि 100 रुपए आपका मूलधन है तो आपका ब्याज कितना आएगा? 5 रुपए। क्या वास्तव में आपका मूलधन 100 रुपए है? नहीं, आपका मूलधन कितना है? 5000 है। तो 100 को 5000 बनाने के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा? 50 से। जब नीचे 50 से गुणा करें तो ऊपर भी कितने से करना पड़ेगा? 50 से। क्योंकि ये भी कांसेप्ट है, देखिए p / q के रूप में अगर कोई फ्रैक्शन है, अगर आप ऊपर मान लीजिए k से गुणा कर रहे तो आपको नीचे भी k से ही गुणा करना पड़ेगा। अगर आप ऊपर k से भाग दे रहे तो नीचे भी आपको k से ही भाग देना पड़ेगा। ये ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब देखिए कि 5000 रुपए तो हमने बना दिए, यानी 5000 रुपए में मेरे एक साल का ब्याज कितना आया? इसको मैं गुणा कर लेता हूं तो 50 को 5 से गुणा करूंगा तो 250, यानी कि 5000 रुपए में एक साल का ब्याज कितना आया? 250 रुपए। लेकिन वास्तव में मेरे जो मैं समय की बात करूं वो कितना है? वो समय तो 5 वर्ष है। और अभी मैंने आपको बताया कि साधारण ब्याज में हर साल का साधारण ब्याज समान रहता है। जब एक साल का 250 तो अगले साल का भी 250, तीसरे साल का भी 250, चौथे साल का भी 250, पांचवें साल का भी 250। आप इस तरीके से 250 को 5 बार लिख के जोड़ भी सकते हैं, या फिर आप क्या करोगे यहीं पे 250 को 5 से गुणा कर दीजिए तो आएगा 25 × 125 1250 रुपए आपका ब्याज। दोबारा देखिए मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले इस प्रतिशत को फ्रैक्शन फॉर्म में बदला तो क्या आ गया? तो आ गया था 5/100, यानी कि 100 रुपए मेरा मूलधन है तो एक साल का ब्याज 5, ठीक है। लेकिन वास्तव में मेरा मूलधन कितना था? 5000। तो सबसे पहले मैंने 100 को 5000 बनाने के लिए 50 से गुणा, जब नीचे 50 से गुणा किया तो ऊपर भी 50 से गुणा करना पड़ेगा। अब ये मेरे एक साल के मूलधन का ब्याज इतना आ गया, लेकिन वास्तव में मेरा टाइम कितना है? 5 है, तो मैंने 5 से गुणा और कर दिया तो मेरा इस तरीके से 1250 रुपए मेरा साधारण ब्याज है। उम्मीद है आपको ये समझ में आएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्या प्रश्न है? मूलधन 4000 रुपए, दर 5.5% और समय है 1 वर्ष। सबसे पहले तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और खुद कोशिश कीजिए इस प्रश्न को करने की, उसके बाद वीडियो को आगे देखिए। तो उम्मीद है कि ये प्रश्न आपने कर लिया होगा, जो नहीं कर पाए वो इधर देखिए। सबसे पहले बेसिक से करते हैं, तो बेसिक आपको पता है SI = PRT/100। पी कितना है? 4000। आर कितना है? 5.5%। देखिए प्रतिशत हटाऊंगा तो बटे में आ जाएगा 100, इस पॉइंट को हटाऊंगा तो 10 और लग जाएगी। समय कितना है? 1। अब कैलकुलेट करो, इस 30 से ये 30 गई, 55 को 1 से गुणा करो, 55 को 4 से गुणा करूंगा तो 220 रुपए मेरा क्या आ जाएगा? ऐसा ही आ जाएगा, यानी कि मेरे इस प्रश्न का उत्तर क्या है? 220 रुपए। ये था बेसिक। अब फ्रैक्शन से देखते हैं, फ्रैक्शन से कैसे करना इस प्रश्न को। देखिए फ्रैक्शन के लिए मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ कि आप रेट को देखिए, दर को देखिए, दर कितनी है? 5.5%। तो सबसे पहले क्या कीजिए, 5.5% का प्रतिशत साइन हटाइए तो बटे में क्या देगा? 100। फिर इस पॉइंट को हटाइए तो 10 और लग जाएगी। अब देखिए क्या बनाइए कि अगर आपका मूलधन 1000 रुपए तो आपका एक साल का ब्याज कितना है? 55 रुपए। लेकिन वास्तव में आपका मूलधन कितना है? 4000 रुपए। तो 1000 को 4000 बनाने के लिए कितने से गुणा? 4 से गुणा। जब नीचे 4 से गुणा तो ऊपर भी कितने से गुणा करोगे? 4 से। जब 55 को 4 से गुणा करोगे तो यह आपका आ जाएगा 220 रुपए। इतनी बात क्लियर है? अगला प्रश्न और देखिए। देखिए इस बार प्रश्न थोड़ा सा चेंज कर दिया है। पहले क्या था कि हमें मूलधन, दर और समय दिया होता था और हमें साधारण ब्याज यानी कि SI निकालना होता था, लेकिन इस बार क्या गेम हो गया है? गेम ये कर दिया इसने कि हमें दर, समय और साधारण ब्याज दे दिया और जो प्रिंसिपल है, मूलधन है, वो पूछे। तो देखिए सबसे पहले बेसिक से करेंगे, तो बेसिक के लिए आपको जो बेसिक एक ही सूत्र वो आपको आना चाहिए। आपको पता है कि साधारण ब्याज बराबर क्या है? मूलधन गुना दर गुना समय और बटे में क्या आ जाएगा? 100। तो इस एक सूत्र को याद रखना है बेसिक से करने के लिए। अब देखिए आपके पास जो चीज है वो आप रख दीजिए, जो नहीं है उसे एडिट रख दीजिए। जैसे आपने साधारण ब्याज की वैल्यू आपको दी है तो साधारण ब्याज की वैल्यू आप रख दीजिए, क्या है? 1250। तो 1250 साधारण ब्याज। उसके बाद क्या मूलधन आपके पास है? नहीं है, तो मूलधन को
एज इट लिख दीजिए। दर कितना है 5%, प्रतिशत हटाइए और बटे में 100। उसके बाद समय, समय कितना है 5 वर्ष। अब कुछ नहीं करना, जो यहां से कट रहा है उसे काट दीजिए। जैसे पानी पानी 25 25 से आप जब ये काटोगे तो 1/4 आ जाएगा, और 5 से 4 पहले काट दीजिए तो 1/20 आ जाएगा, तो इसे काटोगे तो नीचे 4 आ जाएगा। यानी अब आपके पास क्या बचा, 1250 बराबर मूलधन बटे 4। अब देखिए इधर कि P बटे Q बराबर A बटे B, जो चीज यहाँ पे भाग में जब आप इसे इधर लेके आओगे तो ये क्या हो जाएगा, गुणे में आ जाएगी, और जो चीज यहाँ पे गुणे में वो इधर आके भाग में आ जाएगी। तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि फ्रैक्शन जब इधर आती तो पलट जाती है, पलटती कैसे है, इस तरीके से बढ़ते हैं। एक्चुअली बेसिक से बात करूंगा और बेसिक पे जाऊं तो ये पढ़ना ये होता, आपको इतना तो पता ही है कि प्लस वाली वैल्यू जब बराबर से इधर आएगी तो वो माइनस में हो जाएगी, अगर माइनस वाली वैल्यू इधर आएगी तो वो प्लस में हो जाएगी, अगर इधर कोई गुना में है तो इधर आके वो क्या होगा, भाग में, अगर इधर भाग है तो इधर आके गुणे में हो जाएगी। तो वही चीज अब देखिए कि मूलधन मैंने निकालना है, मूलधन बटे 4, इस 4 को मैं उधर लेके जाऊंगा, इस 4 को उधर लेके जाऊंगा, तो मूलधन मैं यहां रहने देता हूं, 4 उधर जाएगा यहां पे तो भाग में है, उधर जाके गुणा में हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो वही 1250 × 4 = क्या हो जाएगा, 5000 रुपए। ये मेरा आंसर है। एक बार और देखिए मैंने क्या किया, सिंपल मैंने फॉर्मूला लिखा, जो वैल्यू मेरे पास थी मैंने वो वैल्यू रख दी, साधारण ब्याज की वैल्यू मेरे पास 1250 थी मैंने वो रख दिया, मूलधन मेरे पास नहीं था मैंने मूलधन को एज इट रखा, दर मेरे पास थी 5%, 5 रखा, प्रतिशत हटा के बटे में 100 आ गया, समय का 7 आ गया। फिर मैंने क्या किया, 5 को 5 से गुणा किया तो 25 आ गया, 25 और 100 को मैंने आपस में काट दिया तो 25 एकम 25 और 25 चौके 100, तो मेरे पास इधर क्या आया, मूलधन को मैंने 1 से गुणा किया तो मूलधन आ गया। तो 1250 बराबर मूलधन बटे 4, यहां पे मूलधन मेरे को निकालना था तो बटे वाली वैल्यू उधर जाएगी तो गुणा में हो जाएगी, 1250 को मैंने 4 से गुणा किया तो 5000 मेरा उत्तर आ गया। अब फ्रैक्शन वाले तरीके से देखिए इस प्रश्न को, फ्रैक्शन से आप कैसे करोगे, लेकिन फ्रैक्शन वाले तरीके में सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि दर क्या है, दर है 5%, तो 5% को जब आप फ्रैक्शन में बदल दोगे तो क्या आ जाएगा, 5/100, यानी कि 100 रुपए आपका मूलधन है तो आपका एस सही, यानी कि साधारण ब्याज कितना है 5 रुपए, कितने साल का, 1 साल। लेकिन वास्तव में देखिए इस बार हमने इसमें क्या दिया, साधारण ब्याज दिया, कितने साल का साधारण ब्याज दिया, 5 साल का। अगर देखिए 100 रुपए पे 1 साल का साधारण ब्याज कितना है, 5, तो 5 साल का कितना हो जाएगा, तो मुझे इसे 5 से गुणा करना पड़ेगा, यानी कि 25 रुपए मेरा क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज हो जाएगा। आपका साधारण ब्याज कितना है, 25, और हमें दिया हुआ कितना है, 1250। तो आपके 1 की वैल्यू कितनी है, जब 1 की वैल्यू निकालोगे तो 1250 बटे 25 इतना आ जाएगा। इसे आप यहीं में छोड़ दीजिए, या काटना चाहो तो इसे काट सकते हैं। अब देखिए आपके 1 की वैल्यू इतनी है और आपका मूलधन कितना है, 100। जब आपकी 1 की वैल्यू इतनी है तो आपकी 100 की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसको 100 से गुणा कर दीजिए, तो 1250 बटे 25 इसे काटोगे 25 एकम 25, 25 चौके 100, 1250 को जब आप 4 से गुणा करोगे तो ये आपका 5000 आ जाएगा। दोबारा देखिए मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले जो परसेंटेज में वैल्यू थी उसको मैंने फ्रैक्शन में बदला, तो यहां पे 5/100, ऊपर वाला था साधारण ब्याज 1 साल का, नीचे वाला था मूलधन, यानी कि मेरा 1 साल का साधारण ब्याज 5 रुपए और मेरा मूलधन 1 साल का, सॉरी मूलधन मेरा 100 रुपए। लेकिन वास्तव में मेरा टाइम कितना था, 5 वर्ष, तो मैंने क्या किया इसको 5 से गुणा कर दिया, क्योंकि मुझे पता है कि साधारण ब्याज हर साल का समान रहता है, जब 1 साल का 5 तो 5 साल का कितना हो जाएगा, 25। लेकिन वास्तव में मुझे अभी दिया हुआ कितना है कि मेरा तो 25 है, लेकिन प्रश्न में मेरे को साधारण ब्याज कितना दिया है, 1250, तो मेरे 25 की वैल्यू कितनी है, तो मेरे 1 की वैल्यू निकालो तो ये बटे में आ जाएगा। तो आप चाहो इसे यहां पे सॉल्व कर दीजिए, काट लो इसे 25 एकम 25 25 5 125 और 0 यहां पे लग जाएगी, तो आपका 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 50। जब आपके 1 की वैल्यू 50 है, जब आपके 1 की वैल्यू 50 है तो आपके 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 100 से गुणा कर दीजिए 50 को,
एक प्रश्न और देखिए, देखिए क्या प्रश्न है। दर 7%, समय 2 वर्ष, SI 252 रुपए और P हमें ज्ञात करना है। P बोले तो 23 रुपए, यानी कि मूल्य हमें ज्ञात करना है। पहले वही मैं आपको बेसिक से कराऊंगा कि साधारण ब्याज हमें दे रखा है, जो वैल्यू हमें दे रखी है वो वैल्यू हम रख देते हैं। साधारण ब्याज कितना है 252, तो 252 मैंने यहाँ पे रख दिया। मूलधन मुझे ज्ञात करना है, दर मुझे दिया हुआ है, दर कितना है 7%, तो 7/100 हो गए। समय कितना है 2 वर्ष, तो जो कट रहा वो काट दीजिए, जो नहीं कट रहा उसे छोड़ दीजिए। तो मूलधन गुना, आप चाहो तो इसे काट लीजिए, 2 एकम 2, और इसे काटोगे तो 50 पे चल जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 7/50। तो देखिए अब क्या होगा कि मैं इसको इधर लिख लेता हूं, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मूलधन गुना 7/50 इज इक्वल टू 52। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर बराबर से इधर p बटे q हो तो इधर आके q बटे p हो जाएगा, ठीक है। तो वही मैं करूंगा कि मूलधन तो मुझे ज्ञात करना है, मूलधन मुझे ज्ञात करना है, तो मैं क्या करूंगा, 252 इधर था मेरा, ये वाली वैल्यू बराबर से जब इधर आएगी तो ये क्या हो जाएगी 50/7 हो जाएगी। जब 50/7 हो जाएगी तो 7 से मैं इसे काट देता हूं, 7 × 7 = 21, 4 × 42 हो जाएगा, और 7 × 6 = 42, तो 36 को 5 से गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा 1800 रुपए। इतनी बात क्लियर है। अब फ्रैक्शंस देखिए, फ्रैक्शंस से कैसे करेंगे हम, कि देखिए हमारी परसेंटेज वैल्यू क्या है, यानी कि जो रेट है वो क्या है 7%, तो 7% को मैं लिख सकता हूँ 7/100। जब फ्रैक्शन में चेंज करूंगा तो देखिए 100 रुपए अगर मेरा मूलधन है तो मेरे 1 साल का ब्याज कितना 7 रुपए, लेकिन वास्तव में मेरा समय कितना है 2 साल। जब 1 साल का 7 रुपए है तो 2 साल का कितना ब्याज हो जाएगा 14 रुपए, मेरा 14 रुपए ब्याज हो जाएगा 100 रुपए पे, लेकिन वास्तव में मुझे प्रश्न में क्या दिया हुआ है, प्रश्न में मुझे ब्याज दिया हुआ है 252, यानी कि मेरा 14 प्रश्न के 252 के बराबर है। तो मेरे 1 की वैल्यू जब निकालूंगा तो 252/14 हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, इसे काट दूंगा, तो 14 × 14 बचेगी 11, तो 14 × 5 = 70, 14 × 6 = 84, 14 × 7 = 98, 112, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 18। जब 1 की वैल्यू 18 है तो मेरे 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 × 18 = 1800। दोबारा देखिए मैंने क्या किया कि मेरे को दिया था 7%, मैंने 7% को फ्रैक्शन में बदला, यानी कि मेरे 100 रुपए अगर मेरा मूलधन है तो मेरे 1 साल का ब्याज 7। समय कितना है, समय है 2 वर्ष, तो 7 को जब मैं 2 से गुणा करूंगा तो मेरा ब्याज कितना आएगा 2 साल का 14 रुपए ब्याज आएगा। कब, अगर मेरा मूलधन 100 रुपए। प्रश्न में मेरे को क्या दिया कि इस बार मूलधन नहीं दिया, इस बार मुझे क्या दिया ब्याज दिया हुआ, ब्याज कितना दिया 252 रुपए, यानी कि 7% की दर से किसी राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 252 है, लेकिन मेरा ब्याज कितना है 14 रुपए, तो मेरे 1 की वैल्यू निकालूंगा तो 252/14, जब इसे काटूंगा तो मेरे 1 की वैल्यू आ जाएगी 18, जब मेरे 1 की वैल्यू 18 तो मेरे 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1800। इतनी बात क्लियर। एक प्रश्न और देखिए, देखिए ये प्रश्न क्या है कि मूलधन है 750 रुपए, दर है 4% और समय है 5 वर्ष। इस बार इसने मुझसे क्या पूछा है, साधारण ब्याज और ए, देखिए ए क्या होता है, ए होता है मिश्र धन, ए क्या होता है इंग्लिश में जिसको बोलते हैं अमाउंट, हिंदी में जिसको बोलते हैं मिश्र धन। देखिए चाहे साधारण ब्याज हो चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो, मिश्र धन कैसे निकलेगा, सबसे पहले ये देखिए जो आपका मूलधन है, मूलधन पे जो आपको ब्याज मिल रहा है, अब ब्याज चाहे वो साधारण ब्याज हो चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो, मूलधन में जब ब्याज जोड़ दिया जाता है तब वो क्या बन जाता है मिश्र धन। बस इतना सा पढ़ना आपको याद रखना। अब इस प्रश्न का ये देखते हैं, देखिए मैं आपको फ्रैक्शन से करवाऊंगा इस प्रश्न को, कि रेट मेरी क्या है 4%, 4% को फ्रैक्शन में बदलूंगा तो 4/100, इसका मतलब क्या है कि अगर 100 रुपए मेरा मूलधन है तो 1 साल का मेरा ब्याज कितना है 4 रुपए। ये देखिए कि आपका मूलधन है कितना, वास्तव में तो 750 है, तो क्या करूंगा मैं 100 को 750 बनाने के लिए 7.5 से गुणा करूंगा, जब नीचे 7.5 से गुणा करूंगा तो ऊपर भी मुझे 7.5 से गुणा करना पड़ेगा। इतनी बात क्लियर। अब ये मेरा 750 रुपए का 1 साल का ब्याज बन गया,
और वास्तव में मेरे पास मुझे कितने साल का ब्याज निकालना है, 5 साल का। जब 1 साल का ब्याज ये है तो इसी ब्याज को मैं 5 से गुणा कर दूंगा, तो क्या होगा, 5 को 4 से गुणा किया तो ये होगा 20, 20 को 7.5 से गुणा करोगे तो 75 गुणा 150 और वो 10 ये हट जाएगा, यानी कि 1 साल का ब्याज, सॉरी 5 साल का ब्याज मेरा कितना आएगा, 150 रुपए, यानी ऐसा ही मेरा क्या आया, ऐसा ही मेरा आया 150 रुपए। अब क्या निकालना मुझे, अमाउंट, अभी मैंने बताया अमाउंट विसर्जन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन ब्याज कितना था, 150, विसर्जन कितना हो जाएगा 900 रुपए। इस प्रश्न को दोबारा देखिए, मैंने क्या किया कि मुझे दिया था, कैसे किया मैंने कि मुझे दर दी थी r बराबर दिया था 4%, मैंने प्रतिशत की वैल्यू को फ्रैक्शन में बदल दिया तो ये हो गया 4/100, यानी कि 100 रुपए अगर मूलधन है तो ब्याज कितना 4, लेकिन मुझे मूलधन कितना दिया है 750, तो 100 को 750 बनाने के लिए 7.5 से गुणा करूंगा, जब नीचे 7.5 से गुणा किया तो ऊपर भी 7.5 से, तो ये मेरा आ गया, इसको मैं यहां पे लिख लेता हूं 30 रुपए आ जाएगा मेरा, 750 रुपए का ब्याज, यानी कि 750 का 1 साल का ब्याज कितना है 30 रुपए, साल कितने हैं 5, तो इसे 5 से गुणा करूंगा तो 30 × 5 = 150, तो मेरा ऐसा है कितना है 150 रुपए। फिर इसने पूछा था अमाउंट, यानी कि मिश्रधन, मिश्रधन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज बराबर मिश्रधन होता है, मूलधन 750 मेरे पास था मैंने वर्क लिया, ब्याज 150 था वो रख लिया, 750 और 150 को जोड़ा तो 900 रुपए मेरा मिश्रधन है। मुझे उम्मीद है एक प्रश्न आपको समझ में आया होगा। एक प्रश्न और देखिए, देखिए क्या प्रश्न है, 1600 रुपए मूलधन आर 7% समय 2 वर्ष 3 माह, इस बार ध्यान रखिएगा 2 वर्ष तो पूरे पूरे हैं, 3 माह एक्स्ट्रा है, ऐसा ही और अमाउंट मुझे ज्ञात करना है। तो सबसे पहले वही तरीका कि आर मेरे पास क्या है 7, तो परसेंटेज हटाऊंगा तो बटे में आ जाएगा 100, परसेंटेज हटाऊंगा बटे में आ जाएगा 100, यानी कि 100 रुपए पर 1 साल का ब्याज कितना 7, लेकिन वास्तव में मेरे रुपए कितने हैं 1600, तो 100 को 1600 बनाने के लिए 16 से गुणा, तो नीचे 16 से गुणा किया तो ऊपर भी 16 से गुणा किया, तो अब मेरा क्या बन गया कि 1600 रुपए पर मेरा 1 साल का ब्याज 6/7 = 42 केरी गया 4/7 = 112 रुपए, 1600 रुपए पर 7% की दर से 1 साल का ब्याज कितना 112 रुपए। अब देखिए साल कितने हैं 2 वर्ष 3 माह, यानी कि 1 साल का मुझे 112 रुपए मिलेगा, दूसरे साल का भी 112 रुपए मिलेगा, लेकिन जो तीसरा साल है, लेकिन जो तीसरा साल है वो पूरा नहीं है, वो कितने उसके सिर्फ 3 माह है और मेरा 1 साल का ब्याज कितना है 112 रुपए, 1 साल को मैं 12 माह में तो लिख सकता हूँ, यानी कि 12 माह का मेरा ब्याज कितना है 112 रुपए, तो 1 माह का ब्याज कितना आ जाएगा 112 बटे 12, और मुझे कितने माह का ब्याज चाहिए 3 माह का, तो मैं क्या करूंगा 3 से गुणा कर दूंगा, इसे काटूंगा 3 × 3 = 12, अब 112 में जब मैं 4 का भाग दूंगा तो ये पूरा पूरा जाएगा 3 पर, तो 2 पे जाएगा 4 × 8 3 बचेगा तो ये हो जाएगा 32 और 4 × 8 = 32, यानी कि तीसरे साल में जो 3 माह है उसका मुझे ब्याज कितना मिलेगा 28 रुपए, तो टोटल मेरा ब्याज कितना हो जाएगा 212 मेरा क्या आ जाएगा ये ब्याज आ गया 252 रुपए मेरा क्या है ब्याज, तो 252 रुपए मेरा ब्याज आ गया, मूलधन मेरा कितना था 1600 रुपए, 1600 + 252 जोड़ूंगा तो ये 1852 रुपए मेरा क्या आ जाएगा मिश्रधन आ जाएगा। उम्मीद है प्रश्न समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो में जो भी मैंने बताया वो आपको समझ में आया होगा। देखिए एक बात जो मैं बार बार बोलता हूँ वो ये है कि मैं जितना भी आपको कराऊँ आपको तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक आप खुद नहीं करोगे, इसलिए जितना भी कराया जाता है आप उस टाइप के प्रश्न को खुद गलत कीजिए, कुछ नहीं करना, वैल्यू चेंज में नहीं, सिर्फ मैंने 1600 दिया है आप 1800 कीजिए, 2000 कीजिए, मैंने 7% दिया है आप 10% 11% 15% 25%, इस टाइप से जब आप कुछ प्रश्न बनाकर लगभग 50-60 प्रश्न करोगे तब आप मानिए कि आपको कुछ समझ में आने लगेगा, समझ में आएगा नहीं समझ में आने लगेगा, फिर आप 100-150 प्रश्न जब आप किसी भी टॉपिक के कर लोगे तो आपका कंसेप्ट, आप लगभग मानिए कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसलिए बच्चों जितनी मेहनत हो सके उतनी
इतनी मेहनत कीजिए, क्योंकि मेहनत का कोई भी विकल्प नहीं आपके पास। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, चाहे आप हंस के पढ़ो चाहे रो के पढ़ो, पढ़ना तो आपको पड़ेगा। थैंक यू।